हरिओम। ये लक्षेश्वर महादेव हम यहाँ के पुजारी हैं, और ये 20 साल पहले की बात है, जब यहाँ पुराना मंदिर था, छोटा छोटा था पहले पुराना मंदिर। तो ये अब तो नया निर्माण हुआ है इसका, अब तो अच्छा बन गया है। तो उस समय अंदर भी हवन कुंड था एक, ये जहाँ पे नंदी रहते हैं यहाँ पे एक हवन कुंड था, उसमें हवन करते थे अंदर ही। तो एक बार वहाँ बहुत बड़ा सांप निकला, ये पहले की ये बहुत बड़ा, बहुत लंबा, मंदिर के बहुत पीछे तक। वो एक माता जी आई कि माता जी माता जी मंदिर में सांप है। तो हम पुजारी जी डर गए। तो मैंने कहा चलो आप पूजा करो, मैं देखती हूँ उसको भी कैसे। पीपल के ऊपर खड़ी हो गई, तो वो जो है जैसे ही आरती शुरू हुई वो एकदम निकला बाहर, मुंह खड़ा करके यूं देखने लग गया, भीतर से देखने लग गया। मैंने कहा अब क्या करूं, बहुत डरते थे। जैसे ही आरती समापन होने होने पर सांप निकला, सीधे मुंह करके बाहर, सीधे पीछे इस तरफ उसकी पूंछ और इस तरफ मुंह, इतना लंबा था, बारीक बिल्कुल उंगली जैसा। ये हमने देखा है अपने उसमें। और एक बार जैसे आपको बताया अभी पेड़ की वो घटना, ये लक्षेश्वरी महादेव की कृपा है हम पे। पेड़ टूट रहा था बर्फ से, उसमें क्रेक आ जाती है जब बर्फ पड़ती है सर्दी में, तो क्रेक आ जाती है। पुराना वे था, अभी भी उसका वो दिखता है, वो पुराना पीछे से जड़ उसकी, तो टूट रहा था। दिन से ही उसको पता चल गया था हमको कि टूटने वाला है, ऐसे ना वो रात में गिर जाए। टूट रहा था तो हनुमान जी के पास खड़ी थी, ये पेड़ दिन से ही, उस दिन टूट रहा था वैसे, दिन से ही तो हम देख ही रहे थे दिन से। और शाम को जो है पूजा के समय वो अपने आप आए, डर लग रहा था उनको कि ये पेड़ ऐसा ना वो मंदिर भी ना तोड़ दे, हम अंदर दम भी ना दब जाए। तो मैंने कहा आप पूजा करो, मैं देख रही हूँ। मैं देखते देखते जो है ना मंदिर को नुकसान हुआ ना यज्ञशाला को नुकसान हुआ, सीधे जो है टहनी अपने आप नीचे गिर गई। फिर मैंने अंदर जाके उनको बताया कि ना सब जो है ठीक है, ना मंदिर टूटा ना यज्ञशाला टूटा, वो टहनी गिर गई, आप आराम से पूजा करो, कोई चिंता की बात नहीं है, लक्षेश्वर जी ने जो है बचा दिया है।